अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। उपवास करो मगर खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नियत, गंदे विचारों का। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी तुम्हें कमजोर करता है उसे जहर की तरह त्याग दो। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब काम भूल जाओ। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी हो जाता है और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करें, पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। यदि किसी दिन आपके पास कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। साधारण मनुष्य अपने विचार का 90% व्यर्थ कर देता है, इसलिए वो निरंतर भूलें करता है। एक प्रशिक्षित मन कभी कोई भूल नहीं करता। उठो, आओ मेरे शेरों, इस भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। शक्ति जीवन है, निर्बलता मौत है, विस्तार जीवन है, संकुचन मौत है, प्रेम जीवन है, द्वेष मौत है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। मैं उस व्यक्ति को ज्यादा शूरवीर मानता हूं जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय ही सबसे कठिन विजय होती है। सच को कहने के 1000 तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है, उसकी मांगे ज्यों ज्यों पूरी की जाती हैं त्यों त्यों और गर्जन करता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। आज वही कल है जिस कल की चिंता तुमने कल की थी। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, मगर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वो जो प्रेम करता है जीता है, वो जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है, वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाएं। भय और अधूरी इच्छा ही समस्त दुखों का मूल है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति। भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है
जो आत्मा को बांधता नहीं है बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता, वो भयभीत हो उठते हैं। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियम पर चलना पड़ता है। हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे। हजारों असहाय नर नारी हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहें और हम मठ में रहें, ये असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, ये अग्नि का दोष नहीं है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। हार के डर से कोशिश छोड़ देने से अच्छा है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। ये शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। ये देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीजें अभी भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है उसके बल पर दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है। जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा तब ये संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। जिस काम के लिए जिस समय प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। मनुष्य अपने अंदर से जितना करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा वो संसार को भी उसी तरह पाएगा। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सकें। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्य हैं वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। ये मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म और अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो।
मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं। शब्द गौण हैं, विचार मुख्य हैं और उनका असर दूर तक होता है। झूठ बोलना शुरू में आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच शुरू में बोलना कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। बुरी बात यह है कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। हर व्यक्ति की अपनी कमजोरी अपनी ताकत होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। जल्द ही गुस्सा करना आपको जल्द ही मूर्ख साबित कर देता है। जीवन में जिस व्यक्ति को सफलता प्राप्त करनी है, उसे अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखना चाहिए। ध्यान केंद्रित लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं, उससे लापरवाही करने वाले सदैव पछताते हैं। असफलता का विश्व भर में एक ही कारण है, लोग समय पर निर्णय नहीं ले पाते। जो व्यक्ति समय पर निर्णय नहीं ले पाता, वो सदैव असफल रहता है। ऐसे व्यक्तियों में सच बोलने और व्यक्त करने का साहस नहीं होता। प्यार संसार की बहुमूल्य चीज होती है। बचपन में जो मुफ्त में मिलता है, उस प्यार को पाने के लिए जवानी में मेहनत करनी पड़ती है। बुढ़ापे की स्थिति में यही प्यार मांगना पड़ता है। वो लोग बेहद खुश नसीब होते हैं जिन्हें बुढ़ापे में प्यार नसीब होता है। धन को धर्म के लिए व्यय करना चाहिए। संचित धन जो समाज के लिए काम ना आ सके, ऐसा धन सदैव व्यर्थ है। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। सोच का ही फर्क है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। ये कभी मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। अगर बार बार असफल हो जाओ तो भी कोई हानि नहीं। सहस्त्र बार इस आदर्श को अपने हृदय में धारण करो, और उसके बाद भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर कोशिश करो। तुम बलवान हो, यही तुम्हारे लिए मेरा संदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक समीप पहुंचोगे। मैंने ये बात अत्यंत साहसपूर्वक होकर कही है। ये कहना आवश्यक है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बलवान शरीर से और मजबूत बाहों से गीता को अधिक समझ सकोगे। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही बन जाओगे। अगर तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल बन जाओगे, बलवान सोचोगे तो बलवान बन जाओगे। अगर आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। अच्छे अभिप्राय, निष्कपटता और अनंत प्रेम विश्व को जीत सकते हैं। इन गुणों से युक्त एक आत्मा लाखों पाखंडियों की काली योजनाओं को नष्ट कर सकती है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो कि तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। लाखों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है, बस शुरुआत होनी चाहिए।
किसी का अपमान करने से पहले सोच लो कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। अगर जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। आप जोखिम लेने से भयभीत ना हों। यदि आप जीतते हैं तो नेतृत्व कर सकते हैं, यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जीने के साथ लगातार सीखते भी जाना चाहिए। इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेकर आएगी। जो आपकी मदद कर रहा है उन्हें ना भूलें। जो आपको प्यार कर रहे हैं उनसे नफरत ना करें। जो आप पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें धोखा ना दें। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और ये आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। एक पुस्तकालय महान व्यायाम शाला है, जहां हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। दुनिया में सबसे बड़ा गुरु समय होता है, जो सब कुछ सिखा देता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। राजनीति एक खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं, मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो किसी का रोल मॉडल बनो, ना कि कोई आपका रोल मॉडल हो। दिन में एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। सोच भले ही नई रखो, मगर संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। किसी मकसद के लिए खड़े हों तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। केवल उन्हीं का जीवन जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं, अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत हैं। आकांक्षा, असमानता और अज्ञानता ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने में मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। जरूरत से ज्यादा आराम और औकात से ज्यादा प्यार इंसान को अपाहिज बना देता है। अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाओ, खुश रहोगे। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं, पर सोचने की हिम्मत तो करो। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही नहीं बांटी जाती। ये खुद रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज बैठे बैठे अपना समय व्यतीत मत करो। अगर आप थक गए हैं तो आराम करना सीखें, मेहनत छोड़कर भागना नहीं। कोई कुछ भी बोले अपने आप को शांत रखो,
क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती। नादान से भी दोस्ती कीजिए क्योंकि मुसीबत के वक्त समझदार व्यक्ति काम नहीं आता। सच्चा प्यार किताबों से कीजिए, आपकी जीत निश्चित होगी। यही वो सीढ़ी है जो आपको सफलता की मंजिल तक लेकर जाएगी। सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है कठोर परिश्रम से। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, परंतु न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना होना। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं, आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। दुनिया जब आपको पागल कहने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज भी करती है। जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं, जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र होता जाता है और भगवान उसमें बसता है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए, इस या अगले जीवन की सभी चीजों से बढ़कर। स्वतंत्र होने का साहस करो, जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो, उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके ले जाने का प्रयत्न करें। सभी शक्तियां आपके अंदर हैं, आप कुछ भी और सभी कुछ कर सकते हैं। शुद्ध रहिए और दूसरों के साथ अच्छा कीजिए, ये सभी पूजा के सार हैं। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। अपने रहस्य किसी को मत बताओ, ये आदत आपको खत्म कर देगी। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंढना है। सफलता किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। आज अपने सपने औकात से बड़े रखो, कल तुम्हारी औकात सपनों से बड़ी होगी। जिंदगी में कड़वे फैसले ही सफलता दिलाते हैं। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार करे, उसकी परवाह किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अगर आप किसी काम को करने पर दूसरों का उदाहरण देते हैं तो आप सफलता से दूर हैं। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको छोटे छोटे कष्टों के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
प्रसन्नता अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर उसे लुटने ना दें। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। शॉर्टकट तरीका कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाता। अपने पैर जमीन पर रखकर आगे और आगे की तरफ बढ़ो। निरंतर सीखते रहना ही जीवन है, रुक जाना ही मृत्यु है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। विचार ही इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही नीचे गिराते हैं। वो नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वो तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ इतना बड़ा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। आपका बीता हुआ कल जितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। फैसला लेना काबिलियत नहीं होती, मगर फैसला लेकर सही साबित करना काबिलियत होती है। जिन्हें ये दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती, अक्सर वही लोग दुनिया का इतिहास बदलते हैं। हमेशा दूसरों का साथ दें, पता नहीं ये पुण्य जिंदगी में कब आपका साथ दे जाए। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन यदि सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। विरासत से तय नहीं होंगे सफलता के फासले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, निर्भर आप पर करता है पार करना है या इंतजार करना है। शिक्षा क्या है? क्या वो पुस्तकीय विद्या है? नहीं। क्या वो नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, ये भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वो फलदायक होता है, वही शिक्षा कहलाती है। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर अपनी होनी चाहिए। जिसका देह और मन शुद्ध नहीं, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। पहचान बनानी है तो ऐसी बनाओ कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो सामने वाले को विश्वास ना हो। स्वयं पर जीत प्राप्त कर लो, सारा संसार आपका हो जाएगा। मतलबी लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं। अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए। परिस्थितियां तो हमेशा ही विपरीत होती हैं। मेहनत करो तो रुकना नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, किसी के आगे झुकना नहीं। इतना भी कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। सफलता के रास्ते पर चलते समय हाथ थामने वाले कम और टांगे खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे।
अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी होती है। लोग सिर्फ ज्ञान देने आते हैं, साथ नहीं निभाते। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी चलना नहीं सीख सकते। सफलता मेहनत और लगन से प्राप्त होती है। सफलता उसी व्यक्ति को प्राप्त होगी जो स्वयं मन की पवित्रता, धैर्य और दृढ़ निश्चयी हो। सफलता की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं होती, इसमें प्यार का अहम योगदान होता है। ये प्रेम कार्य के प्रति हो या आपके प्रति। किसी जीत को हासिल करने के लिए उसके पीछे लगा संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी बड़ी होगी। छोटे से छोटे लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष बड़ा करना चाहिए। पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी करता है। जहां डर खत्म होता है वहीं से जीवन शुरू होता है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। खुद पर विश्वास करो। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। ये कभी मत सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है, ऐसा कहना भी नास्तिकता है। जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं और अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। सपने देखना कभी ना छोड़ें। जिस दिन आपने सपने देखना छोड़ दिया, समझ लो उस दिन आप हार गए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी किसी के भरोसे मत रहो। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी हार से कभी मत डरना। शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। भरोसा हर इंसान का जीतते रहो, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी आपके काम आएगा। सही प्रशंसा व्यक्ति का हौसला बढ़ाती है, अधिक प्रशंसा व्यक्ति को लापरवाह बनाती है। इतने कामयाब तो जरूर बनो कि जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो कल शर्मिंदा हो जाएं। लोग आपको नहीं, आपके समय को अहमियत देते हैं। अपनी कीमत उतनी रखिए जितनी अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो अकेले रह जाओगे। सत्य को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। वक्त हालात को बदलता है और हालात इंसान को। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जिसके पास उम्मीद है वो लाख हार के बाद भी नहीं हारता। खुद के ऊपर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। अगर स्वाद की इंद्रियों को ढील दो तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेंगी। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। किसी की निंदा ना करें। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है।
जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए वो अनेक पुस्तकीय पंडितों से बढ़कर है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य रखो, सिर्फ और सिर्फ जीत। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, असूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। दिल टूटना भी अच्छा है, क्योंकि दिल टूटने के बाद लोग बड़े बड़े काम करते हैं। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझ कर ही उठाने चाहिए। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है खुद की जिंदगी। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूं। हमारी उंगली में कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए हम दूसरा कांटा काम में लाते हैं, लेकिन जब निकल जाता है तो हम दोनों ही कांटे फेंक देते हैं, फिर हमें दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ संस्कारों द्वारा करना चाहिए।